जनपद संभल की चंदौसी में सिख समाज ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के बैनर तले प्रधानमंत्री संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपकर पाकिस्तान के ननकाना साहिब पर हमले पर अपना विरोध जताया। पाकिस्तान में बीते दिनों ननकाना साहिब पर हमले का असर अब पूरे देश में नजर आ रहा है और सिख समाज में इस घटना को लेकर उबाल है। जनपद संभल की चंदौसी में सिख समाज के लोगों ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के बैनर तले एकत्रित होकर देश के प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम चंदौसी महेश प्रसाद दीक्षित को सौंपकर पाकिस्तान में ननकाना साहिब पर हुए हमले पर अपना विरोध जताया और इस हमले में प्रधानमंत्री में सिख समाज और पवित्र ग्रंथों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में छोटे छोटे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब तो यही है कि सीधा अटैक करना चाहिए पाकिस्तान पे, जो इनकी हरकतें हैं ऐसी नीच, जो हमारे गुरुओं पे ऐसे कर रहे हैं, उन्होंने उनका क्या बिगाड़ा था जो ऐसे गलत काम कर रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो ये घटना हुई है ये बहुत ही गलत घटना है, ये नहीं उन्हें करनी चाहिए। उन्हें ये ऐसी घटना करने के लिए सोचना भी नहीं चाहिए था। अगर उनके मन में ऐसा विचार आ रहा है और वो ये घटना बार बार कर रहे हैं तो ये बात बहुत ही ज़्यादा गलत है। मैं कहूँगा जी, ये सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक अच्छा देश नहीं है। देखो, धर्म कोई भी हो, जब भी धर्म के खिलाफ गिलानी हुई है, इतिहास गवाह है। जब हमारे गुरु साहब का समय था, जब भी मुग़ल शासकों ने जो भी अत्याचार किए, आज ही वही हो रहा है। अगर पाकिस्तान में जिसका उसकी काफ़ी निंदा हो रही है, पूरा देश ही निंदा उसकी कर रहा है, और पाकिस्तान की सरकार का भी वो एक फ़र्ज बनता है। अभी तक जो वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान, उन्होंने भी कुछ की निंदा नहीं की है। तो इस करके देश या साथ कौम कोई चुप नहीं बैठेगी जब तक हमारे वहाँ पर जो सिखों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते, समझे। सिख हर वे से हर वक्त तैयार रहते हैं और हमें ही कुछ करना पड़ेगा। ये उस देश को जाके जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं सूचना पहुँचानी चाहिए कि जो उनके जो वहाँ ये दंगे जो होते हैं उनके लिए उन्होंने रोकना चाहिए, अन्यथा ठीक नहीं होगा।